मेरठ में लालकुर्ती थाने में किन्नरों की पिटाई के बाद देश भर में किन्नरों में आक्रोश है और सभी की मांग है कि किन्नरों को पीट कर जेल भेजने वाले थाना अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज, सख्त कार्रवाई हो और जेल भेजे गए किन्नरों को रिहा किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक महापंचायत भी की जिसमें देश के कई राज्यों के किन्नर ने भाग लिया, हालांकि यह पंचायत गुप्त रखी गई थी। बता दें कि बीती 10 तारीख को थाना लालकुर्ती इलाके में किन्नरों के दो गुटों में बधाई मांगने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों गुट थाने पहुंच गए थे। थाने में भी दोनों गुटों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद थाना अध्यक्ष रोजन त्यागी ने किन्नरों पर लाठीचार्ज करते हुए उनकी जमकर पिटाई की और कई किन्नरों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। पुलिस द्वारा किन्नरों की पिटाई का यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, जिसके बाद देश भर के किन्नरों में काफी आक्रोश पैदा हो गया और आज कई राज्यों के किन्नर मेरठ पहुंचे। यहां पर उन्होंने गुप्त तरीके से किन्नर महापंचायत की। देहरादून से आए किन्नरों के अध्यक्ष तेजस्वी नाथ ने कहा कि मोदी जी और योगी जी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और नर नारी के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने सरकार को डबल इंजन की रेल कहते हुए कहा कि इस डबल इंजन की रेल में किन्नरों के लिए कुछ नहीं सोचा गया, जबकि सरकार बनाने में अपना वोट देकर किन्नर भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। किन्नर तेजस्वी नाथ का कहना है कि थाने में किन्नरों की पिटाई करने वाले थाने अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए और साथ ही में जेल में बंद उनके सभी किन्नर साथियों को रिहा किया जाए। उसके लिए चाहे उनका उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना भी पड़े वो करेंगे, फिर योगी मोदी के दरबार में जाना पड़े वो भी वो करेंगे, लेकिन अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वह लोग पूरे देश में बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं मेरठ की इकरा किन्नर का कहना है कि विवाद की असली वजह नकली किन्नर हैं जो इलाके के ही कुछ युवक हैं और वह किन्नरों का वेश बदल कर या लिंग परिवर्तन करके किन्नरों के इलाके में घुस जाते हैं और लोगों से अभद्रता करते हुए बधाई भी मांगते हैं, जिससे पूरे किन्नर समुदाय का नाम बदनाम किया जा रहा है। वहीं तेजस्वी नाथ ने बताया कि किन्नरों के ठाट बाट धन दौलत को देखते हुए कुछ लोग इस समाज से जुड़ने के लिए अपना लिंग परिवर्तन करा रहते हैं और अपने आप को किन्नर बताने लगते हैं, लेकिन वह फर्जी किन्नर होते हैं जो लोगों से अभद्रता करते हुए पूरे किन्नर समाज को बदनाम करते हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे किन्नरों पर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।